ऐसा ना हो जाए कि हमें भी इस प्रकार छतरी लेके खड़ा होना पड़े और जो है हम वर्षा का जल संचयन करें, वर्षा स्टोर कर पाए, वर्षा के पानी को पीछे टंकी वंकी लगाए। तो जी हाँ, वर्षा का जल संचयन क्या होता है कि छत, पहाड़, नदी या फिर मैदान आदि से जो बह जा रहा है जल, उसी का संचयन, उसका स्टोर करना ही वाटर स्टोरेज कहलाता है। छत्तीसगढ़ में कुछ हुआ है, बात यह नहीं है कि ये स्टेट की न्यूज़ है, बात यह है कि आपको पढ़ने का बहाना क्या मिल रहा है। इन्होंने क्या कहा है अभी कि हम जो है अभी एक ऐसी नीति लेके आ रहे हैं कि जो अपने भवन में, अपने घर के या फिर व्यवसाय के या फिर औद्योगिक वाणिज्यिक यानी कि कमर्शियल और इंडस्ट्रियल भवन में अगर आपने वाटर हार्वेस्टिंग नहीं की है तो आपका जो है कट कर दिया जाएगा बिजली का कनेक्शन। तो बिजली का कनेक्शन कट हो जाएगा, इसीलिए जो है वाटर हार्वेस्टिंग हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। सवाल ये है कि हमें क्यों करना चाहिए। शॉर्ट में देखिए कि देश में भूजल का स्तर यानी कि ग्राउंड वाटर जो है वो लगातार कम होते जा रहा है। इतना ज़्यादा हम लोग दोहन करते जा रहे हैं लगातार, लगा लगा के पंप यानी कि मोटर पंप लगा लगा के हम लोगों ने काफ़ी ज़्यादा दोहन कर लिया है और हम जो है ज़रूरत से ज़्यादा मात्रा में जो है पानी खर्च करते हैं। अपने आप हम सभी करते हैं, नहाना चाहिए हमें, एक बाल्टी में हम लगा देते हैं 3-4 बाल्टी क्योंकि ठंडी का सीज़न है और गर्म पानी हमें ज़्यादा चाहिए। बढ़ती हुई जनसंख्या के कारण जो है वह जल स्रोत का जो है लगातार दबाव बढ़ते जा रहा है, जल स्रोत पर दबाव लगातार बढ़ते जा रहा है, इसलिए भी हमें करना चाहिए। और साथ में अगर आप ये देखेंगे कि बाढ़ के पानी को रोकता है वर्षा जल संचयन कैसे, तो बाढ़ का पानी जो है आप देखें, आप जानते हैं कि ये पहाड़ है, पहाड़ों से जो है रिसते हुए आता है पानी नीचे और ये जो है पानी नदी का रूप धारण करता है। अगर आपने इस पानी को नहीं रोका यानी कि पहाड़ में बैरियर नहीं लगाए, तो होगा ये कि ये जो सारा सारे पहाड़ का पानी है ये नदी में बेतहाशा रूप से बढ़ेगा और नीचे के क्षेत्रों में आ जाएगी बाढ़, जैसे कि आपने केदारनाथ वाला जो है उसमें देखा होगा अभी कुछ समय पहले, जो वो बेहद गंभीर तरीके से जो है वो पानी आ गया था। वैसे ही असम में देखने को मिलता है, असम के नीचे वाले क्षेत्रों में डूबा डूबा जाता है। बिहार तो इसका बहुत बेस्ट एग्जाम्पल है कि कैसे बाढ़ आती है, ऊपरी क्षेत्र में पानी बरसता है और नीचे क्षेत्रों में बाढ़ आ जाती है। अब कुछ हमने ऐसा था ट्रेडिशनल तरीका जो हमने अपनाया था कि वाटर को जो है हम बचा सकें, उसके लिए पारंपरिक तरीके में आप देखेंगे टैंक है, बाव है, खादिम है, धौरा है। तो टैंक है, चाहे टैंक हो या खादिम हो या बाव हो या धौरा हो, ये सभी जो चीज़ें हैं ये सारी की सारी जो है राजस्थान और हमारे गुजरात की जो है क्षेत्र में होता है। तो टैंक क्या होता है कि स्टेप वेल, इसका जो है हिंदी में अगर आप अनुवाद करेंगे तो स्टेप का मतलब सौतेला, तो सौतेला कुआं, तो ये वो वाला स्टेप नहीं है, ये जो है स्टेप है इसको हम लोग बोलते हैं सीढ़ी। तो वो जो सीढ़ी बनी रहती है ना कुएं में इस प्रकार की, यहाँ यहाँ ऐसे ऐसे करके लगी रहती है कुएं में, उसको बोलते हैं स्टेप वेल। वैसे ही बाव क्या होता है और खादिम, बाव और खादिम कुछ भी नहीं है, एक पहाड़ है, पहाड़ से जो है पानी रिसते हुए आता है यहीं पास, अगर हम उसे रोक दे बैरियर बना के यहाँ, तो उसको हम बोलते हैं क्या, खादिम और धौरा। तो पहाड़ की ढलान ढलान पे जो बैरियर बनाया जाता है उसको हम कहते हैं, कहाँ होता है ये, राजस्थान और हमारे गुजरात में, खादिम और धौरा। इसके बाद आप देखेंगे टैंक, फाड़ और भंडारा। इससे पहले कि आप टैंक, फाड़ और भंडारा जाइए, आप आ जाइए थोड़ा ऊपर के क्षेत्र में और वो है हमारा लेह लद्दाख। जी हाँ, अभी बनने वाली जो है यूनियन टेरिटरी, जो यूनियन टेरिटरी बनी है लेह लद्दाख, वहां पास आप देखेंगे केरस, टैंक कामा और लद्दाख का, लद्दाख के जिंग, टैंक कामा टाका, टैंक कामा टाका और लद्दाख के जिंग, ये जो है कहाँ होते हैं, लेह लद्दाख में। तो ये क्या होता है, ये भी सेम चीज है, कुछ नहीं है, ग्लेशियर का पानी जो आता है, उस पानी जो परकुलेट होके आता है, जो रिसते हुए आता है, सॉरी, जो रिसते हुए आता है वो उस पानी को जो है एक बैरियर बना के रोक दिया जाता है। अब ये बैरियर बन गया तो होगा क्या, इस बैरियर के थ्रू, ये जो बैरियर है ना यहाँ पास बना हुआ है, इसके थ्रू जो यहाँ पास पानी अब रुका हुआ है, तो होगा ये कि नीचे जाएगा रिसते हुए पानी और यहाँ पास जो भूजल है, जैसे ये रिसते हुए जाएगा नीचे, आप ये मान लीजिए ये एरिया है और यहाँ हमने क्या बना दिया, बैरियर ऐसे, और ये पहाड़ है, तो आप देखिए कि ये रिसते हुए जाएगा नीचे जाएगा और भूजल जो है वह वृद्धि हो जाएगी। तो इस प्रकार का काम किया जाता है केरस कामा टाका टैंक में। केरस कामा टाका टैंक कहाँ है, तो यह है जम्मू लदे लेह लद्दाख में। खादिम द्वारा आपने देखा कहाँ है, तो आप गुजरात और राजस्थान में।
बाव गुजरात राजस्थान में। इसके बाद एक महत्वपूर्ण है जो कि ये पायर्स कहलाता है, और अहर जो कि हमारे बिहार, जी हाँ बिहार के लाला। तो वहाँ जो है बिहार के दक्षिणी क्षेत्र में जो है ना, ये अहर और पायस जैसे जो है वो बनाए जाते हैं। ट्रेडिशनल वाटर स्टोरेज, टैंक फाड़ और भंडारा, नाम से क्लियर पता चल गया होगा, भंडारा। भंडारा तो बहुत फेमस जगह है, ये और कहीं नहीं है भाइयों और बहनों, ये है महाराष्ट्र में। तो महाराष्ट्र का जो है वो टैंक फाड़ और भंडारा, तो ये कुछ नाम है, ट्रेडिशनल नाम है, जो कि जैसे कि टैंक फाड़ भंडारा, ये ट्रेडिशनल नाम है जो कि कहाँ यूज होते हैं, हमारे पारंपरिक तरीके हैं पानी को स्टोर करने के। तो आखिर इससे हमें लाभ क्या होता है? देखिए बहुत सिंपलेस्ट वे में है ये, कि बहुत सारे इसके लाभ हैं, आपके दिमाग में भी आए होंगे, मेरे दिमाग में कुछ थे तो मैंने लिखा सस्ता होता है। जी हाँ बिल्कुल सस्ता। क्या है कि वाटर हार्वेस्टिंग या वाटर जल संचयन अगर आप करेंगे, वाटर हार्वेस्टिंग, अभी हम आगे पढ़ेंगे वाटर हार्वेस्टिंग को, लेकिन अभी हम एक भूमिका देख रहे हैं। तो ये क्या होता है, सस्ता होता है वाटर हार्वेस्टिंग, या फिर आप पानी का संचयन, पानी की जो बिल है आपका कम आ जाएगा। एकदम लोकल लैंग्वेज है और एकदम प्रैक्टिकल है, प्रैक्टिकल में ज़्यादा नंबर मिलता है इसमें। पानी खरीदना जो है वह नहीं पड़ेगा आपको, जैसे कि आप देख रहे हैं दिल्ली में पानी खरीदना पड़ता है, मुंबई में पानी खरीदना पड़ता है, नोएडा में पानी खरीदना पड़ता है, बहुत सारी ऐसी जगह जहाँ पानी खरीदना पड़ता है आपको, तो वो नहीं करना पड़ेगा। क्योंकि पानी है एक प्रकार की ऊर्जा है, और पानी का संरक्षण तो होगा ही होगा, और आप देखेंगे कि हमारी जो ऊर्जा है, यानी कि हम बिजली बनाते हैं इस पानी से, उसका भी संरक्षण होगा। जी हाँ बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पास। आप देखिए कि खेतों में, यानी कि ग्रामीण एरिया में क्या कुछ होगा इसका इम्पैक्ट, कीटनाशक जो पेस्टिसाइड आप डालते हैं और फर्टिलाइजर जो उर्वरक हम डालते हैं, उसका बहाव जो है वह कम हो जाएगा। क्यों कम हो जाएगा? क्योंकि हमने स्टोर करके रख दिया, पानी को हमने रोक दिया है। ये पानी जो रिस्क के जाता था हमारे क्षेत्रों से, यानी कि हमारे खेतों से जो रिस्क के जाता था, हमने उसे स्टोर कर लिया है अपनी जगह पे, इसीलिए हम यहाँ पास। अभी मैं आपको ये बता रहा हूँ स्टोरेज का, बताएं ये स्टोरेज का है, कीटनाशक फर्टिलाइजर का। हार्वेस्टिंग में भी आ जाएगा, लेकिन हार्वेस्टिंग उतना पॉपुलर नहीं है अभी, लेकिन यहाँ पास आप जरूर ये ध्यान रखें। तो इस प्रकार आप देखेंगे प्रदूषण कम होता है। तो अगर आपने वर्षा जल का संचयन बढ़ा दिया, तो आप जानते हैं कि भूजल जो है वह नीचे का जो ग्राउंड वाटर लेवल है वो बढ़ेगा। ग्राउंड वाटर लेवल बढ़ेगा तो वहां पास वनस्पति जो है, जो प्लांट्स हैं वो ग्रोथ करेंगे, और प्लांट की ग्रोथ होगी तो पर्यावरण संतुलन होगा। जी हाँ हमारे जो मेन मुद्दा रहता है, जो कि आज का हमारा, चाहे वह हमारी जो विकासशील देश हो, डेवलप कंट्री हो या डेवलपिंग कंट्रीज हो, उन सब का मुद्दा है पर्यावरण परिवर्तन, और इसमें भी संतुलन आने के चांसेस हैं। देखिए 360 अप्रोच के तहत महिला सशक्तिकरण होगा, क्योंकि राजस्थान जैसे क्षेत्र में अगर आप देखें, महिलाओं को 5-5, 6-6 किलोमीटर दूर तक पानी लेने जाना पड़ता है। बेहद संवेदनात्मक इशू है ये अपने आप में। देखिए दिल पसीजना चाहिए इस बात में कि हम 21वीं सदी में है और जो है वह पानी लेने जाना पड़ रहा है 5 किलोमीटर। तो काफी समय बचेगा अगर हम पानी को स्टोर कर लेते हैं राजस्थान जैसे क्षेत्र में, तो इसीलिए महिला सशक्तिकरण होगा। और आप देखें कि जिसके पास जो पैसा है वो पानी में लग रहा है, पी रहा है, बताइए 5,000 का पानी पी जा रहा है महीने में, तो जो है बिस्लेरी का बोतल बना के। तो ये जो है पैसा आपका नहीं जाएगा पानी में, ये जाएगा आपके अर्थव्यवस्था में। आप कुछ खरीदेंगे, खरीदेंगे तो उससे जो है वो मांग जनरेट होगी, मांग जनरेट होगी तो फिर उत्पादन बढ़ेगा, तो इसलिए अर्थव्यवस्था भी मजबूत होगी। मानव और बच्चों के जो है स्वास्थ्य सुधार होगा, बच्चों मेनली जो है, मेन फोकस ऑन बच्चे, जो हमारे बच्चे हैं उनको जो है अच्छा और सही साफ शुद्ध पानी मिलेगा अगर हम इसको करते हैं, तो वाटर हार्वेस्टिंग, या फिर हम क्या चीज करते हैं तो वाटर जल का संरक्षण करते हैं। तो कुछ लाभ है, किसी के दिमाग में भी कुछ भी आ सकता है, आप कर सकते हैं। वाटर हार्वेस्टिंग का ये सिंपलेस्ट नमूना है कि कैसे वाटर हार्वेस्टिंग की जा रही है, बहुत सारे तरीके से है और भी है इसमें। उससे पहले आप ये देखिए कि नींद बहुत कीमती चीज है भाई, इसलिए से ठीक। तो देखिए यहाँ जो है ये डायग्राम है, ये वर्षा का जल है, ये वर्षा का जल जो है ये आ रहा है कहाँ, हमारे छत में आ रहा है। इस छत के, छत में हमने पानी इकट्ठा किया, ये होता क्या था, पहले बह जाता था नाली के थ्रू, ठीक। अब आप क्या करेंगे, इस पाइप के थ्रू जोड़ेंगे, इस पाइप को जो है आप एक ऐसे गड्ढे में लगा देंगे, ये गड्ढा कोई सा भी हो सकता है, चाहे तो आप बोरवेल जहाँ आपने करवाया है वो कर लीजिए, वहाँ आपने इस पाइप को जोड़ देना है। तो ये पाइप जो है यहाँ से जाएगा कहाँ, इस बोरवेल वाले गड्ढे में, और इस गड्ढे से जो है ये नीचे परकोलेट होकर, रिसाव होकर
जो है ये भूजल में पहुंच जाएगा, और इस प्रकार आप देखेंगे कि भूजल जो है वह ऊपर आने लगेगा। ठीक, आपके घर में या फिर कहीं भी आपने देखा होगा, अगर ऐसी चीजें होती है तो भूजल का स्तर बढ़ जाता है। तो कुछ है बातें इस प्रकार से जो है वो इजली की जा सकती है। अब जो है आप ये देखिए कि वो ये जो क्षेत्र था ना यहाँ, ये वाला, ये देखिए, ये यहाँ, ये जो है यहाँ पास आपने क्या करना है, ये देखिए इसका कुछ वैसे आपको रटना नहीं है, लेकिन मैं आपको एक जानकारी के लिए बताता हूँ कि इसमें किस प्रकार से क्या क्या चीजें की जाती है। बजरी लगाई जाती है रूफटॉप में, देखिए सिर क्या बनाया जाता है भैया, यहाँ पास आपका रिवर सैंड यानी कि जो बालू रखी जाएगी, इसके बाद आपको एक शीट लगा देंगे, नेट लगा देंगे, फिर आपको चारकोल लगा देते हैं, फिर उसके बाद एक नेट लगा देते हैं, फिर उसके बाद एक ग्रेवल लगा देते हैं, मतलब कि जो हमारी गिट्टी होती है वो लगा देते हैं, फिर नेट लगाएंगे, फिर उसके बाद आप देखिए दूसरी प्रकार की गिट्टी उसको लगाएंगे। तो इस प्रकार से कुछ काम किया जाता है, लेकिन ये इंपॉर्टेंट नहीं है ये ध्यान रखने के लिए कि किस प्रकार से इस गड्ढे को भरा जा रहा है, थोड़ा साइंटिफिक तरीके से किया जाता है। ठीक, तो आपने क्या किया, वर्षा का जल आया यहाँ पास था, वर्षा का जल हमारे छत में आया, इसमें पीवीसी पाइप लगाया, पीवीसी पाइप को आपने यहाँ पास लगा दिया अपने बोरवेल वाले एरिया में। और इस प्रकार आप देखते हैं कि नींद बहुत कीमती चीज है। सो गाइस फोकस, ये एक सिंपलेस्ट डायग्राम है इसका भी कि कैसे वर्षा का जल संचय किया है यहाँ पास। एक देखिए आप, या तो आप डायरेक्ट लगा दी या फिर एक स्टोर करके कुछ आपका, या तो आप यहाँ पास वो भी लगा सकते हैं जो हमारी सिंटेक्स की टंकी होती है वो। तो इस प्रकार से जो है ये सिंपलेस्ट डायग्राम है जो शो करता है कि कैसे यहाँ पास वाटर आ रहा है, वाटर से कैसे हम कर पा रहे हैं, बढ़ा पा रहे हैं उसको। अब ये भी एक डायग्राम था एक, ये कि कैसे इसका प्रिपरेशन किया जा रहा है। तो इस प्रकार से जो है वो एक हम गड्ढा खोदते हैं, पिट खोदते हैं, और इस प्रकार से जाली लगाई जाती है इस पिट में। ठीक, और ये जो है, ये जो मेन पाइप है इसका जो नीचे जाएगा, और ये जो है मेन पाइप जो है यहाँ, यहाँ से एक पाइप आएगा इसके थ्रू यहाँ पास, और ये जो है इससे जुड़ जाता है। देखिए एक पाइप जैसे संरचना दिख रही है, लेकिन ये मेन होता है कि यहाँ पास एक पाइप और जोड़ दिया जाता है। ठीक, और ये देखिए ग्रेवल वगैरह है यहाँ पास, ये मुंबई का कोई क्षेत्र था वहाँ का है ये, कि किस प्रकार जो है वो किया जाता है। जी हाँ, ये खुदा हुआ जो है वो क्षेत्र है जिसमें वाटर हार्वेस्टिंग की जा सकती है। सो बातें जो भी हो, किस प्रकार से आप कर सकते हैं, बहुत सारे इसमें आप तकनीक के जोड़ सकते हैं, तो बातें जो भी हो, लेकिन भारत की जो परंपरा है उसमें जल स्रोत में है,